गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों की गतिविधियों को कम करने में पुलिस बल को कड़ी सफलता मिली है। हालांकि अब नक्सल समर्थकों के सक्रिय होने से जिले में हड़कंप मच गया है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय, अनुमंडल पुलिस अधिकारी, अनुमंडल अधिकारी थाना पैरमिली से भामरागढ़ की सीमा में पुलिस ने 10 नक्सल समर्थकों को रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। संबंधित कंपनी आलापल्ली से भामरागढ़ मार्ग पर बंधिया नदी पर पुल का काम कर रही है। नक्सली समर्थकों ने काम की निगरानी कर रहे दीवानजी से 70 लाख रुपए की मांग की। कंपनी के दीवानजी ने पैरमिली पुलिस को 70 लाख रुपए देने की रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज की है। इस गंभीर शिकायत की ओर पुलिस ने तेजी से काम करना शुरू की और जांच में पता चला कि नक्सल समर्थकों ने बंदूक की धमकी दिखाकर रंगदारी वसूलने की कोशिश की। फिलहाल इन सभी नक्सल समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। NBC न्यूज के लिए गढ़चिरौली से सुनील ताड़े की रिपोर्ट।